लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन द ग्रीन लैंटर्न और डार्क नाइट के अंदर एक खतरनाक सी लड़ाई चल रही होती है। ये जंग के अंदर ग्रीन लैंटर्न बहुत ही कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसकी सारी पावर्स डार्क लैंटर्न ने छीन ली होती है। इसीलिए वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए अननोन लैंटर्न में तब्दील हो जाता है और एक एक करके डार्क नाइट को वो खत्म कर देता है। और उसके बाद अननोन लैंटर्न फ्रैंकलिन द ग्रीन लैंटर्न के ऊपर हावी हो जाता है। वो उसकी सारी बॉडी को कब्जे में ले लेता है और एक बार के लिए अननोन लैंटर्न फ्रैंकलिन की बॉडी को कॉपी करके उसे बाहर निकाल लेता है। और अब वो डार्क सिटी और उजाले की सिटी इन दोनों के ऊपर राज करने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे शिनचैन, क्या तुम ठीक हो? अरे फ्रैंकलिन अंकल, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कहाँ पे गिर गए? मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, मैं बहुत दूर गिर चुका हूँ। क्या तुम सेफ जगह के ऊपर हो? अरे हाँ, मैं सेफ जगह के ऊपर हूँ, लेकिन वो अननोन लैंटर्न कहाँ पे चला गया? वो कहाँ पे चला गया? उससे बड़ी बात, उसने मेरे को कॉपी कैसे किया? गाइस एक बड़ी दिक्कत हो गई है, उसने मेरी बॉडी को कॉपी कर लिया। अरे इसका मतलब आपके सारे पावर्स उसके पास आ गई क्या? लगता है हम लोग बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। नहीं शिनचैन, उसने भले मुझे कॉपी किया है लेकिन उसे वो पावर्स मिली नहीं है। उसकी वजह है ये डार्क लैंटर्न जिसे बनाया है पैरेलेक्स ने, वो भी अलग यूनिवर्स के। अरे हम क्या करेंगे वो तो बता दो, मैं तो लिफ्ट लेके पहुंच रहा हूँ मेंशन के ऊपर। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, अब हम क्या करें? शिनचैन क्या तुम डॉक्टर हॉवर्ड के पास पहुंच सकती हो? अरे हाँ, मैं मेंशन के ऊपर से सीधा डॉक्टर हॉवर्ड के पास पहुंच जाऊंगा, अभी तो वही हमारी हेल्प कर सकते हैं। सही कहा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ है फ्रैंकलिन द पावर मैन जिसने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा कर दिया है और वो हमारे खिलाफ जंग की शुरुआत करने वाला है, और दूसरी तरफ उसी की सेना के अंदर जो काइजू है यानी एलियन से वो छुप छुप के हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी की टीम के अंदर का डॉक्टर स्ट्रेंज और पेनीवाइज ने हमारे 7 मैजिकल एम्बलम के सारे पुर्जे सारे हिस्से लेने की कोशिश की है। अब उनके पास टोटल 4 मैजिकल एम्बलम है, यानी दुश्मन एक ही है फ्रैंकलिन द पावर मैन। और तो उस दुश्मन के बारे में बताओ जो कि अलग मल्टीवर्स से हमला रही मल्टीवर्स के अंदर आना चाहता है। ये तो मैं भूल ही गया था, एक ऐसा शख्स जो कि अलग दुनिया में रहता है जिसका नाम पैरेलेक्स है, जिसे मैंने बहुत साल पहले खत्म कर दिया था। लेकिन गाइस आज वही पैरेलेक्स इस मल्टीवर्स में आके मेरे जैसे पावर वाले डार्क लैंटर्न को क्रिएट करता है। उसके बाद वो इस यूनिवर्स के पैरेलेक्स को जिंदा करता है और वो मेरे ऊपर हमला करके मुझे अननोन लैंटर्न की पावर्स प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ये हो क्या रहा है हम लोगों के पास? क्या हम लोग इस मुश्किल से इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे? फ्रैंकलिन द पावर मैन एक तरफ है, दूसरी तरफ फ्रैंकलिन द पावर मैन के सामने है दूसरे मल्टीवर्स का पैरेलेक्स जो कि फ्रैंकलिन द पावर मैन के सारे मेंबर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और बीच में फंसे है एवेंजर्स, अच्छे लोग अच्छी पावर जो कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहती। अब इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में इस यूनिवर्स में पूरी तरीके से सब कुछ उल्टा चल रहा है, क्योंकि जो सबसे शक्तिशाली थे अब वो कमजोर बन गए, और जो सबसे कमजोर थे यानी डार्क पावर बुरी शक्तियाँ वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो रही है। अरे लेकिन वो स्ट्रांग हो रही है वो तो बता दो, अचानक से सारे के सारे दुश्मन हमारे खिलाफ कैसे हो गए? हाँ शिनचैन, वो भी मुझे पता लगाना है। गाइस क्या करें? क्या आप लोग मेरे साथ हो? आप मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाओ जिससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि हमारे इस मल्टीवर्स में हो क्या रहा है, बुरी पावर्स और शक्तिशाली कैसे हो रही है, और अच्छी पावर्स और कमजोर और कमजोर इतनी कमजोर एक मामूली इंसान के जैसे हो रही है। सारे एवेंजर्स कैद हो चुके हैं और मेरी पावर्स भी कम हो रही है, मेरे ऊपर डार्क लैंटर की शक्तियाँ छप चुकी है, मेरे अंदर जो सबसे पावरफुल शक्ति थी यानी अननोन लैंटर्न की अब वो एक तरफ हो चुका है। 3 दुश्मन और उनके सामने कोई भी हीरोज नहीं है, हमें कैसे हीरोज की तलाश करनी पड़ेगी जो हमारी टीम में आ सकता है? अरे हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। शिनचैन, माइकल और फ्रैंकलिन, शिनचैन पहुंच गया। अरे हाँ वो पहुंच गया, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं एक जगह के ऊपर जा रहा हूँ। क्या कहा, कौन सी जगह? अरे मुझे पता है आप कहाँ पे जा रहे हो। शिनचैन मुझे भी लगता है फ्रैंकलिन उसी जगह के ऊपर जा रहा है। तुम लोग सोच रहे हो वैसा ही है,
मैं सारी चीजों का पता लगाने, सारी चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए समंदर के पास जा रहा हूँ। मेरा आखिरी रास्ता है समंदर। अरे फ्रैंकलिन, हाँ सही कहा, हम लोग आपके साथ ही। तो चलो फ्रैंकलिन, लेट्स गो। हाँ सही कहा, और चलते पता लगाते इन हार्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन। फाइनली गाइस, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये रही वो समंदर की जगह जहाँ पे मुझे मिलने वाली है गॉडवेल। क्या कहा, गॉडवेल जिंदा है? हाँ वो जिंदा है, वो मेरी हेल्प कर सकती है। अरे पिंकल अंकल, उनसे सारे क्वेश्चन पूछ लेना। हाँ शिनचैन, मैं पूछ लूंगा। चलो 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 चलो, यही सही समय है। गॉडवेल, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, प्लीज आ जाओ। दुनिया खतरे में एक और बार है, तुमने मेरी बहुत सारी कठिनाइयों में सहायता की है, लेकिन इस बार तुम्हारी मुझे सख्त जरूरत है। अगर आज तुम नहीं आई तो मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, और कोई सोल्यूशन मेरे पास ही रहने वाला। मछलियों जाओ, गॉडवेल को बुलाओ। अरे हाँ, बुलाओ बुलाओ प्लीज, हम लोग खतरे में। क्या उसके पास सारे आंसर हो गए फ्रैंकलिन? हाँ मुझे तो लगता है, लेकिन आई थिंक गॉडवेल को मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही, मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। अरे थोड़े ध्यान से, यहाँ पे शार्क भी हो सकती है जो कि इंसानों को खाती है। कोई बात नहीं, हमारा जो फ्रैंकलिन है बहुत खतरनाक है। डॉक्टर हवाल बोलते हैं। नहीं दोस्तों, क्या हुआ एस्ट्रा? कायजूस ने हमला कर दिया एक और बार। ये हो क्या रहा है, कायजूस हर बार हमला क्यों कर रहे और खा लिया जा रहे? मुझे तो लगता है ये सब कुछ उनकी चाल है। अरे हाँ, मुझे भी वही लगता है। सही कहा, मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन द पावर मैन तुम लोगों को उलझाना चाहता है, क्योंकि वो कुछ बड़ा करने वाला है। क्या हो सकता है, उसने तो सारे मॉन्स्टरों को एकजुट तो कर ही लिया है, लेकिन गाइस क्या वो उससे भी कुछ बड़ा करने वाला है? उसके बारे में हम पता लगाएंगे, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। सही कहा, चलो। अरे हाँ, चलो चलो। शिनचैन, माइकल, माएस्ट्रा, ड्राइवर, बहुत अच्छे से जाना। ये रही गॉडवेल, मुझे गॉडवेल मिल चुकी है। क्या हुआ फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पे कैसे? मुझे कुछ भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पता है मैं किसी लिए आया हूँ, तुम्हें सब कुछ पता है। प्लीज मुझे बताओ मेरे सारे सवालों का जवाब, अगर मुझे वो जवाब नहीं मिला तो मैं इस दुनिया को नहीं बचा पाऊंगा। सारे मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर हमला कर देंगे, सारी पूरी शक्तियाँ हमें नोच के खा जाएगी, अच्छाई का नामो निशान नहीं रहेगा। मुझे पता है गॉडवेल, तुम्हारे पास समंदर से लेके जमीन तक की सारी खबर होती है, आकाश से लेके अंतरिक्ष तक, पाताल से लेके अंदरूनी जगहों तक सब कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होती है। प्लीज हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन बताओ, मैं अभी के लिए कोई भी हीरो नहीं हूँ, कोई भी रक्षक नहीं हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ जिसके पास छोटी मोटी पावर बची है, लेकिन उसके बाद मैं एक मरा हुआ मुर्दा हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, और तुम्हारे सारे सवाल मुझे पता है। पहला सवाल फ्रैंकलिन द पावर मैन का है, वो कैसे जन्म लिया वो तो तुम्हें पता है। हाँ गाइस, हम लोगों को पता है फ्रैंकलिन द पावर मैन ने जन्म कैसे लिया। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो जाओ पिछले वाले एपिसोड देखो, और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे तुम्हें पता है फ्रैंकलिन द पावर मैन जन्म लिया था, उसके बाद उसे अच्छी पावर्स बुरी पावर्स इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन सबसे पहले उसे बुरी पावर्स मिली, इसलिए उसने बुराई का रास्ता चुन लिया, अब उसने अपनी सेना बना ली है। हाँ मुझे पता है, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? तुम्हें एक एक करके सारे कठिनाइयों को धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा, एक साथ कुछ भी नहीं होगा। क्या कहा, पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा? सही कहा, दिमाग के ऊपर भरोसा रखो और धीरे धीरे अपने दांव चलो और अपोनेंट को हरा दो। लेकिन कैसे? गॉडवेल तुम कहाँ पे चली गई? यही कोई तो थी। अरे क्या हो गया, ये तो कितने खतरनाक मॉन्स्टर है। कोई बात नहीं शिनचैन, हमला। ओह नो, तुम लोग खतरे में हो, मुझे बाहर आना पड़ेगा। चलो 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 चलो, लगता है गॉडवेल ने कोड लैंग्वेज में बातें की है। ऐसी कैसी पहेली है जो मेरे को सॉल्व करनी है, और अगर मैंने वो सॉल्व नहीं की तो मैं अपनी दुनिया को कभी नहीं बचा पाऊंगा। उसने कहा मुसीबत तो बड़ी है, तुम उसे चुटकियों में खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब गाइस आप समझे, इस बार के जो मॉन्स्टर है वो इतने कमजोर नहीं है कि हम लोगों ने कौन सी पावर को अनलॉक कर दिया और एक ही झटके में उसे हरा दिया। लगता है हम लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग गाइस उन सारे मॉन्स्टरों का सामना कर पाएंगे। और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं होने वाली, एक लंबी लड़ाई होने वाली है, जो कि अच्छी पावर्स वर्सेस बुरी पावर्स, इविल वर्सेस अच्छी, ऐसी अंदरूनी शक्तियों को हमें इकट्ठा करवाना पड़ेगा। जहाँ पे भी अच्छे लोग है उनकी एक टीम, एक संगठन बनानी पड़ेगी, जो कि ऐसी पूरी पावर्स को कैद करके दुनिया को बचा सकेगी। ये तो थैनोस ने बहुत साल पहले जो किया था वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी दुनिया को आधे हिस्से में बांट लेना, अच्छी शक्तियों में
में भी बुरी पावर्स होती है, लेकिन वो कम तादाद में होती है। अगर बुरी पावर्स ने इस दुनिया में आधा कब्जा कर लिया तो मुझे यकीन है जो अच्छी पावर्स है वो अच्छी पावर्स की ताकत को कम समझने लगेंगे और जाएंगे बुरी पावर्स के साथ। और इसे करते करते पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स और पूरे मानव जाति का, सुपर हीरोज का और जहाँ पे भी जीवन है वो सारे क्रिएचरों का नाश हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। और हम लोगों को ये रोकना है, लेकिन कैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। छोटे छोटे कदम लो और पूरे मॉन्स्टरों को हराओ, यही गॉडविल ने कहा था। लेकिन छोटे छोटे कदम कैसे लूं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया तो है नहीं। गाइस आप लोगों को कोई आइडिया है तो मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताओ। हम लोग छोटे छोटे कदम लेके कैसे हम इन सारे मॉन्स्टरों को हरा सकते हैं। टोटल दुश्मन है 3 और अभी अभी बना हुआ अननोन लैंटर जो कि कोई इंसानों का दुश्मन नहीं है, वो डार्क सिटी और अच्छी पावर जहाँ पे रहती है उनके बेस के ऊपर कब्जा करने वाला है। और दूसरी तरफ है फ्रैंकलिन द पावर मैन जिसने बुरी शक्तियों की एक बड़ी टीम बनाई है और हमारे ऊपर हमला कर रहा है। और तीसरी तरफ है डार्क लैंटर्न जो कि दुनिया को खोखला कर रहा है दूसरे यूनिवर्स के पैरेलेक्स की मदद से, क्योंकि वहाँ पे सुपर हीरो का नाश हो चुका है और वहाँ पे जीवन भी खत्म होने की तादाद में। मुझे कोई आइडिया नहीं है हम लोग ये कैसे करेंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई पता है तो नीचे कमेंट में बताना। छोटे छोटे कदम लो और दुश्मनों को खत्म करो, लेकिन कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। I am Pennywise, I am Thousand One. अब मैं तुम सबको बताऊंगा Pennywise क्या चीज है। सब लोगों ने Pennywise को अब तक हल्के में लिया था, लेकिन इस बार नहीं। मुझे 7 magical emblem के बाकी के 3 हिस्से मिल चुके हैं। Avengers ने इन्हीं टापों के ऊपर उनको रखा है। टापू के ऊपर उन मैजिकल एम्बलम को लेने जा रहा हूँ। I am Pennywise, I am Dancing Clown. इसके बीचों बीच अब मुझे यहाँ पे खोना पड़ेगा। ये लो, सारे मैजिकल एम्बलम मेरे हैं। 7 मैजिकल एम्बलम Pennywise के। ये ले, ये रहे मैजिकल एम्बलम के। I am Pennywise, I am Thousand One. चलो अभी निशा तो मैजिकल एम्बलम को लेके चलता हूँ। सरप्राइज। ये क्या, ये कौन है? तुम्हारा कार। नहीं, तुम कैसे यहाँ पे कैसे आ गए? I am Pennywise. सारे के सारे मैजिकल एम्बलम अब डार्क लैंटर्न के दूसरी मल्टीवर्स का पैरेलेक्स बहुत खुश होगा। हमें पता चला तुम लोगों ने आपस में विलन्स की टीम बनाई है, ये मुझे बहुत गलत लगा समझे बेवकूफ। इसलिए दूसरे मल्टीवर्स के पैरेलेक्स ने नया ऐलान किया है, हम अपनी नई टीम बनाएंगे समझे। जिनको हमने दूसरे यूनिवर्स में मारा था उन्हें बाहर बुलाएंगे। दूसरे यूनिवर्स के दुश्मन अब आने वाले हैं क्योंकि हम इन मैजिकल अंडे से यानी मैजिकल एम्बलम से खोलने वाले हैं मिरर वर्ल्ड को। और मिरर वर्ल्ड में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पावर है। अब दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। मिरर वर्ल्ड इज ऑन द वे।